हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस। यानी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और एक किस तरह से वर्क करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस के बारे में, तो कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस आर डिजाइन टू हैंडल लार्ज वैल्यू ऑफ डेटा विद हाई थ्रूपुट एंड लो लेटेंसी। मतलब जो कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस होता है, एक क्या करता है कि जो भी वर्क करता है लार्ज डेटा के, लार्ज अमाउंट में जो भी डेटा होता है उसके साथ वर्क करता है। और जो इसका थ्रूपुट होता है, हाई थ्रूपुट होता है, मतलब हर एक पर यूनिट में कितना वर्क परफॉर्म करता है, इस चीज को थ्रूपुट बोला जाता है। मतलब ये क्या करता है कि हर एक मिली सेकेंड, एवरी सेकेंड कह सकते हैं कि टास्क को परफॉर्म करता है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसकी जो लेटेंसी होती है, लो होती है। दे आर यूज इन एप्लीकेशन सच एज फाइनेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऐसी जगहों पे जो कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस होता है उसका यूज किया जाता है। वेयर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इज क्रिटिकल, जहां पे क्या करता है, रियल टाइम डेटा क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। तो जो एक तरह का रियल टाइम डेटाबेस होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी चीज की, तो वहां पे रियल टाइम डेटा की नीड पड़ेगी। फाइनेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इन सारी जगहों पे जो भी डेटा होते हैं, एट रियल टाइम पे डेटा का परफॉर्मेंस अनिवार्य होता है। अब अगर यहाँ पे ओवरव्यू देख ले किस तरह का इसका डायग्राम होता है, तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, ये मॉनिटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मॉनिटर पे क्या करता है, जो भी अपडेट होता है अपडेट को देता है, उसके पास बेस आइटम होता है, यहाँ पे अदर डेटा होते हैं, एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है, और व्यू पॉइंट होता है, और रिकम्प्यूटेशन यहाँ पे होता है, मतलब जो भी डेटा एग्जीक्यूट नहीं होता रिकम्प्यूटेशन के लिए भेजा जाता है। अब अगर हम बात कर ले, यहाँ पे कह रहा है कि हियर वन ओवरव्यू ऑफ द सम पॉपुलर कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस, तो कुछ पॉपुलर जो भी कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस है उनके बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या है और कौन कौन से डेटाबेस है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो ओरेकल टाइम्स 10 के बारे में, तो ओरेकल टाइम 10 के बारे में अगर हम बात कर ले तो ओरेकल, आईबीएम DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इस सबको एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सारी चीजें हमने ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर पढ़ रखा है। तो जो ओरेकल टाइम 10 होता है, एक तरह का रिलेशनल इन मेमोरी डेटाबेस होता है, जो प्रोवाइड करता है सब मिली सेकेंड्स रिस्पॉन्स टाइम एंड हाई अवेलेबिलिटी। जो भी डेटा की अवेलेबिलिटी होती है, डेटाबेस की अवेलेबिलिटी होती है, वो हाई होती है। जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उसका सब मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। और ये एक तरह का रिलेशनल इन मेमोरी डेटाबेस होता है। ये सपोर्ट क्या करता है, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या PL या SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मतलब जो भी इसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए हमें SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या PL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए इसके अंदर, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एंड कैन बी यूज टू ओरेकल डेटाबेस एंड प्रोवाइड द रियल टाइम डेटा एंड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो ये क्या करता है, ओरेकल डेटाबेस हमको प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटा एनालिसिस, मतलब हम जो भी रियल टाइम में डेटा है उनको हम एनालाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो ओरेकल टाइम्स 10 की बात हो गई। उसके बाद IBM DB2 की बात कर ले, तो IBM DB2 के बारे में अगर हम बात करें तो एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो RDBMS के नाम से जानते हैं। दैट्स प्रोवाइड द रियल टाइम डेटा एनालिसिस एंड हाई अवेलेबिलिटी। तो जो IBM DB2 है, ये भी क्या करता है कि एक तरह का रियल टाइम डेटा एनालिसिस प्रोवाइड करता है, मतलब रियल टाइम में हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और जो भी हाई अवेलेबिलिटी को शो करने का काम करता है। ये भी सपोर्ट करता है SQL एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बिल्ट इन द एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। तो जो IBM 2 होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम प्रोवाइड करते हैं, बिल्ड करते हैं एक एनालिटिक्स, जिससे हम डेटा को एनालाइज कर सके और मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी में यूज कर सकते हैं। आगे का हम बात कर ले माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के बारे में बात करें तो ये भी एक तरह का RDBMS होता है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। दैट्स प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, सेम जो भी IBM 2 DB2 प्रोवाइड करता है वही माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी प्रोवाइड करता है। इट्स सपोर्ट SQL एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंक्लूड द फीचर्स सच एज हाई अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो यहां पे क्या होता है कि सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करता है और स्केलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद SAP HANA के बारे में अगर हम बात कर ले, तो SAP HANA की
ये एक तरह का इन मेमोरी डेटाबेस सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा, लेकिन ये सब क्या है कि जो सैफाना है एक तरह का इन मेमोरी डेटाबेस सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, कि रियल टाइम में डेटा किस तरह से प्रोसेस हो रहा है और डेटा का एनालाइज करने के लिए सैफाना कॉमर्शियल डेटाबेस का हम यूज करते हैं। इट सपोर्ट एसक्यूएल एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी क्या करता है एसक्यूएल और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इंक्लूड फीचर्स सच एज हाई अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, तो सारे जो जिनके फीचर्स हैं लगभग सारे कॉमर्शियल डेटाबेस के फीचर्स लगभग आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल्ट डीबी यानी बोल्ट डेटाबेस की बात करें तो बोल्ट डेटाबेस क्या करता है, एक तरह का ए भी इन मेमोरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटाबेस प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, इट सपोर्ट द एसक्यूएल एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंक्लूड द फीचर्स सच एज हाई एबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, तो सारे सबके फीचर्स सेम है। और बोल्ट डीबीएमएस इन मेमोरी डेटाबेस, इन मेमोरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो सैफाना है ये क्या है, इन मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम DB2। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन डेटाबेस 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन ओरेकल टेस्ट टाइम की बात करें तो ये भी रिलेशनल इन मेमोरी डेटाबेस है। ठीक है, तो आगे कुछ समरी के बारे में बात करें, कह रहा है कि दीज कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड द वेरियस फीचर्स। ठीक है, जो भी कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस है एक तरह के वेरियस फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारे रियल टाइम सिस्टम हो वो मीट कर पाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। डिफरेंट एप्लीकेशन दे हैव द हाई परफॉर्मेंस एंड रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज और सपोर्ट वेरियस बिजनेस नीड्स। जो भी बिजनेस की सारी नीड्स होती है उसको सपोर्ट कर पाता है एक रियल टाइम सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये लास्ट वीडियो है हमारे रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम कोर्स की प्लेलिस्ट की सबसे लास्ट वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू।